सुबाई पेट्रोलियम कंपनी जो कि डीपीसी के नाम से जानी जाती है, प्रतिदिन परिवहन अधिकारियों तथा विजिटर्स को ऑफशोर की ओर ले जाने की सुविधाएं एरोगेल हेलीकॉप्टर द्वारा प्रदान करती है। इसके ड्यूअल इंजन हेलीकॉप्टर 13 यात्रियों और उनके सामान को सुरक्षित पहुंचाने में मदद करते हैं। ये फिल्म आपको सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी विशेष सूचना और निर्देश देती है। कृपया इसे ध्यान पूर्वक सुने और देखें। डीपीसी सुरक्षा हेतु प्रतिबंध है और उद्योग में विश्व स्तर के मापदंड और रीतियों का पालन करती है। कंपनी का एक ही लक्ष्य है, हमारा काम कभी भी इतना जरूरी नहीं था और अर्जेंट नहीं है कि उसे सुरक्षित ढंग से करने के लिए वक्त ही ना हो। यदि आपको किसी भी बात का संदेह हो तो आप निसंकोच अपने डीपीसी सुपरवाइजर से संपर्क करें। यदि आप मेहमान नहीं हैं, तो आपको पहले से ही सेफ्टी इंडक्शन और ओरिएंटेशन कोड की विस्तृत जानकारी मिल गई होगी। कृपया कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दें। जैसे ही आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और अब दुबई एयरपोर्ट पुलिस सिक्योरिटी गेट से होकर आगे बढ़ते हैं, आपको एक हरे रंग का सिक्योरिटी पास दिया जाता है। इस पास को अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि दुबई वापस आते वक्त इस पास की आपको जरूरत पड़ेगी। चेहरे के बालों को रखने के लिए कंपनी की अपनी पॉलिसी है, जिसके अनुसार आपकी दाढ़ी मूछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपातकालीन बचाव के समय आपको खास मास्क पहनने की आवश्यकता होगी। हमेशा दूसरों की इज्जत करें ताकि आपको भी दूसरों से वही इज्जत और मदद मिल सके। हेलीकॉप्टर पर मजबूत और अच्छी पकड़ वाले जूते ही पहनने चाहिए। खुले पंजे वाले सैंडल या चप्पल पहनने की इजाजत नहीं है। हेलीकॉप्टर पर यात्रा करते समय बेसबॉल जैसी टोपी या किसी भी प्रकार की टोपी व निकर पहनने की इजाजत नहीं है। हेलीकॉप्टर की ऊंची आवाज से बचने के लिए ईयरप्लग्स पहने, इससे आपके कानों को सही सुरक्षा मिलेगी। डीपीसी चाहता है कि आप अपने कानों में ईयरप्लग्स और मफ्स पहने, जो कि आपको हेलीकॉप्टर की तेज आवाज से बचा के रखेगी। डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाइयों की घोषणा करना अनिवार्य है। कंपनी पॉलिसी के अंतर्गत इसे सुरक्षा अधिकारियों के हवाले कर दें। इन दवाइयों को अलग से पैक किया जाएगा और ऑफशोर मेडिक पर सुरक्षा पूर्वक पहुंचाया जाएगा। पहुंचने पर आप इसे चिकित्सा घर से ले सकते हैं। शराब, गांजा, अफीम, नशीली दवाइयां और किसी भी प्रकार की गैर कानूनी वस्तुओं को ले जाने की डीपीसी कड़ी मनाही देते हैं। यदि आपके पास ऐसी कोई भी वस्तु पाई गई हो तो आपको हिरासत में लिया जा सकता है। डीपीसी को ये हक हासिल है कि वो कभी भी आपका टेस्ट ले सके, ताकि आप इसकी सुविधाओं का सही उपयोग कर सकें। डीपीसी किसी भी खतरनाक चीज को अपने हेलीकॉप्टर उड़ान के जरिए ट्रांसपोर्ट नहीं करती है। हेलीकॉप्टर में और उसके आसपास धूम्रपान करने की सख्त पाबंदी है। सिंगल एक्शन लाइटर ऑफशोर ले जाने की सख्त पाबंदी है। इन्हें जलाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इससे आग लगने या धमाका होने का खतरा रहता है। कृपया इन्हें घर पर ही छोड़ कर आइए या हेलीपोर्ट पर छोड़ दें। किसी भी तरह का कैमरा या कैमरा वाले मोबाइल फोन्स को ऑफशोर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, और इन चीजों को पहले ही जमा करना होगा, या फिर ये चीजें आप डीपीसी की इजाजत लेकर अपने साथ ले जा सकते हैं। मोबाइल टेलीफोन, पेजर्स और बिजली से चलने वाले अन्य यंत्र हेलीकॉप्टर की सुरक्षा में रुकावट डाल सकते हैं, इसलिए कृपया इनका प्रयोग न करें। ध्यान रखें कि आप इन सभी यंत्रों को हेलीपोर्ट अधिकारियों के ध्यान में लेकर आएं। यदि आपकी ऑफशोर पहली उड़ान है तो आपको अलग किस्म का रंगीन आर्मबैंड पहनना होगा, जिस पर आपके डेस्टिनेशन की कलर कोडिंग होगी। यदि आपने डीपीसी को पहली बार उड़ान करने के बारे में नहीं बताया है तो कृपया तत्काल करें। नए यात्री होने के नाते विमान में चढ़ने से पहले आपको विस्तृत सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। आपके सह यात्रियों और पायलट्स को भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी, ताकि वे आपकी अच्छी देखभाल करें। इस हेलीकॉप्टर सेफ्टी फिल्म को आप गौर से देखिए। हेडसेट यात्री इस बात पर विशेष ध्यान दें कि वे सुरक्षा जिम्मेदारियों से पूरी तरह परिचित हों। यदि आप हेडसेट पैसेंजर का कर्तव्य निभाते हैं तो कृपया हेलीपोर्ट कोऑर्डिनेटर के साथ समय समय पर अपने प्रशिक्षण का नवीनकरण करते रहें। आपको यात्री बोर्डिंग पास दिया जाएगा। ये फिल्म देखने के बाद कृपया पैसेंजर लॉन्च पर उड़ान की घोषणा होने तक इंतजार करें।